2024 के अंदर बड़े चेहरों को दिखाया जा रहा है, उसके अंदर नीतीश कुमार का चेहरा भी है, उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा भी है, उसमें ममता बनर्जी का भी चेहरा है, उसके अंदर राहुल गांधी का भी है और तमाम नेताओं के चेहरे हैं, लेकिन ये वो चेहरे मैंने बताए हैं जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों पर हैं। क्या लगता है 2024 के अंदर कौन सा चेहरा पहुँच पाएगा सत्ता तक, कौन होगा सत्ता का हुक्मनार, वह हमें बताएँ। जो बीजेपी है वो कम्युनल पॉलिटिक्स के माध्यम से क्या है, बिना काम किए ही क्या है इनाम ले जाती है। जितने भी उसके वोटर हैं वो उसको खास करके मदद करते हैं, उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उसके लोग हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। तो केवल एक ही पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बाकी जितनी भी इस देश में पार्टियां हैं, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, उनकी फंडिंग भारत के पूंजीपतियों से होती है, उनके आम कार्यकर्ता उनका कभी पैसा नहीं देता है। ऐसे में अगर जिस पार्टी को आपने अपने खून पसीने से सत्ता तक पहुंचाया है, वो पार्टी जब आपके सहयोग से जाएगी तो आपके लिए नीति भी बनाएगी। और वो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, रिलायंस ने बहुत सारे प्लांट लगाए थे, वो सारे बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि रिलायंस का कंट्रोल नहीं था बहुजन समाज पार्टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने कभी रिलायंस से चंदा नहीं लिया था। और बाकी जो पार्टियाँ चंदा लेती हैं, आप उनका बिजनेस देख लो। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, अडानी और अंबानी का आप देख लो कि किस रेशियो में, देश में कोरोना आया लेकिन इनकी संपत्ति की बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये जो बात है ना, वो समझने वाली बात है, ये सबके समझ में आती नहीं है बात, क्योंकि ये बात जिनको बतानी चाहिए वो इसके अगेंस्ट वाली बात बताते हैं। वो तो केवल हिंदू मुस्लिम जो वो आपकी बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते रहेंगे, आपको केवल ये बताते रहेंगे कि महंगाई बढ़ गई है, ये नहीं बताएंगे कि सही विकल्प क्या है। अगर आप उसको चुनेंगे तो ये महंगाई भी कम होगी, ये बेरोजगारी भी कम होगी, ये जो हिंसा है वो भी कम होगी, और जितने भी आपके सरोकार हैं वो सारे सरोकार वो पूरा कर देगी। तो ये बात कभी नहीं होती है। इसलिए जो तीसरा विकल्प बन रहा है वो अगर आप देखेंगे तो वो उसमें एक धड़ा है, एक धड़े को जुड़ने की ज़रूरत है। अगर वो धड़ा इस विकल्प की तरफ देखेगा तो मुझे लगता है कि 2024 में जो रिजल्ट होगा वो सबको चौंकाने वाला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।